तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, 5 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है, सीट के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा मामला बनता है ये। और यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पलटी हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी कि भाई यहाँ पर अगर कोई जीत कर आता है तो ये जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये चीज़ें हमने देखी भी है, क्योंकि देखा जाए तो अभी राजस्थान में क्या था कि अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ पर हमेशा से ये रिवाज है कि 5 साल तक बीजेपी सरकार रहती है तो 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहती है। तो यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट सामने निकल आए हैं तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, उस वहाँ पर पिछले 18 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद भी बीजेपी ने यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। और इसके अलावा यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है, जब से जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है सन 2000 में, तो तब से यहाँ पर ज़्यादातर समय जो है रमन सिंह की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन यहाँ पर पिछले लोक विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और यहाँ पर जो भूपेश बघेल साहब है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार यहाँ पर जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, यानी कि यहाँ पर एक राज्य तो यहाँ पर पहले से बीजेपी के पास था, यानी कि मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर टक्कर की बात की जा रही थी कि भाई यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर कांग्रेस बहुत तगड़ी टक्कर देगी। लेकिन यहाँ पर जो मामला था वो यहाँ पर जो राजस्थान है और जो छत्तीसगढ़ है, वो यहाँ पर मामला था कि भाई यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने हरा दिया इलेक्शन में। और इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में ही कांग्रेस को पटखनी दे दी है और यहाँ पर तगड़ी एक जीत हासिल की है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। और यहाँ पर जो अब चलेगा वो चलेगा जो इनका जो मैनिफेस्टो है उसके जो प्रॉमिस है उसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने बहुत भर भर के यहाँ पर जो एक लोक कल्याणकारी जो स्कीमें हैं वो चलाने की बात की है कि भाई हम यहाँ पर ये कर देंगे वो कर देंगे। और जो नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने इन सब चीज़ों को, जो फ्री में चीज़ें बांटी जाती हैं ना, उन सब चीज़ों को ये कहा कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, जिससे जो राज्य है वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं करता, कभी भी ग्रो नहीं करता, कभी भी विकास नहीं करता। और ये जो चीज़ें हैं वो सरकार के ऊपर एक बोझ की तरह मानी जाती है। खुद मोदी जी ने यहाँ पर ये सब बातें एक कही थी और ये सब सारी की सारी जो बातें वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है वो ही इन सब चीज़ों को साइड में कर रही है कि भाई हम यहाँ पर बात नहीं मानते हैं, हम यहाँ पर तो जो चीज़ें देनी है वो तो देंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जो पोल प्रॉमिस किए जाते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके किए जाते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आई है कि अब यहाँ पर बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया कांग्रेस ने और ज़्यादा प्रॉमिस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी है वो उससे ज़्यादा और प्रॉमिस कर रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं वो बीजेपी किस तरह से बांटती है और किस तरह से यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भूपेश बघेल साहब की कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही चुनाव आने वाले थे तो तब यहाँ पर मैनिफेस्टो हर पार्टी निकालती है, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक मैनिफेस्टो निकाला जिसमें ये बताया गया था कि जो हम किसानों का जो लोन है वो माफ़ करेंगे और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उसको हम 500 रुपये में एक सिलेंडर गैस का देंगे। यानी कि देखा जाए तो नॉर्मली कीमत क्या होती है, 950, 1000 रुपये इतनी होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सरकार पेमेंट करेगी और बाकी के जो 500 रुपये होंगे वो ही यहाँ पर लोगों को पे करने, और 500 रुपये में यहाँ पर लोगों को सिलेंडर मिल जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पर पोल प्रॉमिस किए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वहाँ की मुख्य फसल जो है वो धान की है, यानी कि पैडी की है फसल है, लेकिन यहाँ पर जो MSP का मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बनकर सामने आया था। और यहाँ पर खुद आपने देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी जो धान के किसान हैं उनसे यहाँ पर मिले थे और यहाँ पर अपना जो PR जो चीज़ें थी वो सब की थी। तो यहाँ पर जो धान का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। लेकिन इसी चीज़ को कॉपी करते हुए यहाँ पर बीजेपी ने भी सेम टू सेम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करी हैं और कांग्रेस ने इसको कहा है कॉपी कैट मैनिफेस्टो। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर जो धान की जो फसल है उसके लिए MSP के लिए यहाँ पर जो बात की है वो ये है कि प्रति एकड़ जो 21 क्विंटल चावल होगा, 21 क्विंटल धान होगा, उसको हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगे। यानी कि अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उसका जो चावल मैक्सिमम होगा वो होगा 42 क्विंटल चावल, जिसको यहाँ पर सरकार 3100 रुपये के भाव से प्रिक्योर करेगी और बाकी का जो जितने भी चावल एक्स्ट्रा होगा
वो यहाँ पर मार्केट रेट के हिसाब से प्रोक्योर किया जाएगा या फिर वो किसान जो चाहे वो उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने की कराई। और इसके अलावा जो बीजेपी की सरकार है वो बोनस भी दे रही है किसानों को, यानी कि यहाँ पर आपको पिछले 2 साल में जितने भी आपने धान उगाया है उसके पर क्विंटल के हिसाब से आपको 300 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर जो किसानों को बोनस है वो दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर आपको बोनस होगा और ये जो पिछले 2 साल का धान होगा उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी राज्य में जितने भी मैरिड लेडीज होंगी और जो जिनके पास जमीन नहीं है वो किसान होंगे उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा एनुअली, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि 1 साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 4-4 महीने के हिसाब से 2,000 रुपये किसानों के खाते में आते हैं। तो कुछ इस तरह की स्कीम चलाई जाएगी। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में दिया जाएगा और यहाँ पर इस चीज़ की जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी इन सब रेवड़ियों की, वो होगी 38,000 करोड़ रुपए की। आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर 38,000 करोड़ रुपए अगर इसी तरह से लोक कल्याणकारी, यानी कि लोक कल्याणकारी तो नहीं, मोदी जी की भाषा के हिसाब से मुफ्त की रेवड़ियों में बांट दिए जाएंगे तो जो राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राज्य अभी भी माओवाद की समस्या से, नक्सलियों की समस्या से जूझ रहा है, तो उसके यहाँ पर क्या असर पड़ेगा आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर ऐसे ही मुफ्त की रेवड़ियों में बांट दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड चीज़ों में जो ज़रूरतमंद हो उन्हीं की मदद की जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर हर महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा और किसानों से इस तरह से प्रोक्योरमेंट की जाएगी और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो की जाएगी मोदी जी के भाषा के हिसाब से ये सब मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं उस पर यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में 38,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ का बात हो गई है। और अब बात करते हैं राजस्थान की। अब देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार का जो मैनिफेस्टो था वो भी काफी ज्यादा लोक लुभावन था, तो कांग्रेस की सरकार तो अब नहीं रही, तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। देखिए बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है वो यहाँ पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार बीजेपी बनाने वाली है, तो किसान जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको तो साइड में रख दो क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है अब, क्योंकि उनकी सरकार नहीं रही है। तो अशोक गहलोत की सरकार में यहाँ पर एक सिलेंडर की स्कीम चलती थी जहाँ पर 500 रुपये में यहाँ पर महिलाओं को, घरों को यहाँ पर सिलेंडर दिया जाता था, जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी होती है 950,000-1,100 रुपये इतनी होती है, प्राइस अकॉर्डिंग नीचे ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो यहाँ पर 500 रुपये में घरों को यहाँ पर सिलेंडर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर इसी चीज़ को कैरी ऑन किया और यहाँ पर 450 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है कि भाई यहाँ पर जितना भी सिलेंडर का रेट होगा आपको यहाँ पर 450 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अगर यहाँ पर 1,000 रुपये सिलेंडर की कीमत हुई तो 450 रुपये उसमें से कट करके 550 रुपये में दिया जाएगा, अगर इसकी कीमत 900 रुपये हो गई तो 450 रुपये कट करके 450 रुपये में यहाँ पर सिलेंडर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेंडर की स्कीम चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर 2.5 लाख सरकारी जॉब देने का वादा किया है। अब देखिए 2.5 लाख सरकारी जॉब होगी वो किस तरह से की जाएगी और किस तरह से यहाँ पर फंड का जुगाड़ होगा वो सब यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा यहाँ पर किसानों को बहुत ज्यादा असिस्टेंस दिया जा रहा है, बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर महिलाओं को भी काफी ज्यादा असिस्टेंस दी जाएगी, स्मार्टफोन वगैरह स्कूटी वगैरह की स्कीम यहाँ पर पहले देखने को मिली है, क्या क्या हमें यहाँ पर फिर से ऐसी स्कीम देखने को मिलेगी इनके टेन्योर में, ये देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो फ्री की रेवड़ी है, मुफ्त की रेवड़ी है, वो यहाँ पर बांटने की बात की जा रही है बीजेपी के जरिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अब देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो यहाँ पर जो पार्टी सरकार में नहीं होती है ना तो बड़े बड़े वादे करती है कि अब हम यहाँ पर ये कर देंगे, हम वहाँ पर वो कर देंगे, हम इतने बेनिफिट देंगे महिलाओं के लिए, ये कर देंगे किसानों के लिए, ये कर देंगे जो बेरोजगार है उसके लिए, ये कर देंगे। और IPL टीम की बनाने की बात की गई थी यहाँ पर कांग्रेस के जरिए, तो ये तो खैर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है वो तो कांग्रेस से भी आगे निकल गई। यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर 2700 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो किसान होंगे MP के उनको यहाँ पर MSP दिया जाएगा गेहूं पर 2700 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 2700 रुपये प्रति किलो। और इसके अलावा जो धान है, जो चावल है, उसको यहाँ पर जो MSP दिया जाएगा वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा, जो यहाँ पर मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहाँ पर एक लाडली बहना योजना चलाई थी, जिसमें यहाँ पर जो एक सर्टेन एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उससे ऊपर की जो महिलाएं हैं उसको यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ रकम दी जाती है, कभी 1,000 रुपये 1,250 रुपये अभी हो गई है कुछ मामलों में। तो यहाँ पर इस स्कीम को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो लाडली बहना की जो स्कीम होगी उसके अंडर हम यहाँ पर जो लोग जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर घर देने की भी बात करेंगे, घर भी देंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर और ज़्यादा सरकार के ऊपर
एक्सचेकर का बोझ बढ़ेगा। एक्सचेकर मतलब कि सरकार जो यहाँ पर पैसा खर्चा करती है, सरकार का जो खजाना होता है उसको एक्सचेकर बोलते हैं, तो सरकार का जो एक्सचेकर है उसके ऊपर काफी ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है इन सब योजनाओं के जरिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर फ्री एजुकेशन की भी बात की गई है, जो पुअर घर से हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो सिलेंडर है यहाँ पर भी 450 रुपये सब्सिडी देने की बात की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर किसानों के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए और जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए भी विकास के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने की बात की गई है, जो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ सोचने वाली बात है कि जो मोदी जिस चीज़ के खिलाफ है वही उनकी पार्टी यहाँ पर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, और इसके ऊपर यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अब बात करते हैं तेलंगाना की, क्योंकि तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी लेकिन यहाँ पर पोल प्रॉमिस किया था, उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला था, लेकिन यहाँ पर अब सरकार बन गई है कांग्रेस की। तो अब हम उनके पोल प्रॉमिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो पोल प्रॉमिस किया था वो महिलाओं को लेकर किया गया था कि हम हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर सिलेंडर जो है वो भी हम 500 रुपये का देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये चीज मुफ्त की रेवड़ी कंसीडर की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी के जो कॉन्सेप्ट था वो बीजेपी लेकर आई और जो मोदी जी हैं वो लेकर आए थे यहाँ पर। कांग्रेस ने तो कभी भी मुफ्त की रेवड़ी की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर जो बात की है वो यहाँ पर बीजेपी ने की है और मोदी जी ने की है कि भाई यहाँ पर जो मुफ्त की रेवड़ियाँ होती है उससे यहाँ पर जो स्टेट है उसको यहाँ पर डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो सरकारी नौकरियों के लेकर यहाँ पर जो लोग हैं उसको लेकर काफी एक बड़ा मुद्दा है कि भाई लोग यहाँ पर जो सरकारी नौकरी करते हैं वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू रहे, जबकि जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं और जो सरकारी केंद्र में बैठी हुई वो यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको यहाँ पर पुश करती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अब जो चुनाव है वो जीत गई है, तो यहाँ पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर अब यहाँ पर काम किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो बिजली है वो यहाँ पर फ्री दी जाएगी 200 यूनिट प्रति महीना, और उसके बाद जो यूनिट होगी वो उसके ही पैसे यहाँ पर लोगों को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो मुफ्त की रेवड़ियाँ कहलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इससे जो स्टेट का जो एक्सचेकर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी की गई है, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट का एक कार्ड दिया जाएगा, विद्या भरोसा कार्ड कुछ इस तरह से। तो इसमें यहाँ पर 5 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी जो स्टूडेंट है उनको, कि भाई यहाँ पर आप अपने जो फीस वगैरह है इससे पे कर सकते हो, और उसके बाद आप जब चाहे उसके बाद जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप हमें ये लौटा सकते हो, और उसमें भी यहाँ पर इंटरेस्ट में कुछ छूट दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो तेलंगाना राज्य है वहाँ पर कोई भी अगर एक लड़की का जन्म होता है तो उसके नाम पर यहाँ पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड तैयार किया जाएगा, कि भाई यहाँ पर इस लड़की के नाम पर हमने 2 लाख रुपए का बॉन्ड तैयार कर दिया है, और जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी तो तब यहाँ पर उसको जो 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर सरकार यहाँ पर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए दे देगी, लेकिन उसको तभी नहीं मिलेंगे जब वो 21 साल की हो जाएगी, तो तब उसको यहाँ पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो MSP है चावल के ऊपर, यहाँ पर 3100 रुपये सेट कर दिए गए कि भाई हम यहाँ पर 3100 रुपये में आपका जो चावल है वो खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक मुफ्त की रेवड़ी कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो लोक लुभावन है और यहाँ पर अपना जो दबदबा है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस इस तरह की बातें करती नहीं है मुफ्त की रेवड़ी वाली, लेकिन यहाँ पर मैं बीजेपी की बात करूँगा कि भाई बीजेपी के जो प्रधानमंत्री साहब है मोदी साहब वो कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं फ्री बिजली दे देना, फ्री पानी दे देना, ये कर देना, वो कर देना, फ्री 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 कर देना, तो ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं। लेकिन यहाँ पर खुद बीजेपी की जो सरकार है और जो आने वाली जो सरकार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, वो यहाँ पर लगातार दबाकर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रही है। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं वो बीजेपी की भाषा में इसको कंट्राडिक्शन कहते हैं, विरोधाभास कहा जाता है इसको, कि भाई कहने वाली बात कुछ और है कि भाई यहाँ पर ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं ये हम नहीं करेंगे, जबकि खुद ही यहाँ पर जो पार्टी है वो इन सब चीज़ों को पुश कर रही है। तो आपको भी सोचने वाली बात है क्या चीज़ें ये सब सही है या नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें है उसके लिए तो यहाँ पर जो चीज़ें सही है, जैसे कि किसानों का जो चीज़ें हैं किसानों से रिलेटेड स्कीम है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई है उसको लेकर यहाँ पर काम करना चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर यहाँ पर सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।